नमस्ते। अभी अभी मैं हमारे सभी विद्यार्थी साथियों ने कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल थल नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते। क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है, तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप जाने से पहले उस एग्जीबिशन को जरूर देखें और उसमें क्या है उसको समझने की कोशिश करें और अपने स्कूल में वापस जाने के बाद अपने जो अनुभव है वो जरूर और विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। करेंगे? इधर से आवाज आई, उधर से नहीं आई, उधर से नहीं आई। करेंगे? मेरी आवाज सुनाई देती है ना? अच्छा, आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है और आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। कुछ लोग होंगे जेन्युइनली जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसमें समाधान खुद को भी मिले औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाए, लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाधान हो जाएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं ज्यादा समय न गंवाते हुए। कहां से शुरू करना है? प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचनों के लिए हार्दिक आभार। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भर देता है। आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। प्रधानमंत्री जी, रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भारत के सहयोगी अरब देश ओमान स्थित
इंडियन स्कूल धारसेट की छात्रा डानिया शबू हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। डानिया, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आई एम डानिया शबू वर्गीस ऑफ क्लास 10 फ्रॉम इंडियन स्कूल धारसेट, ओमान। माय क्वेश्चन इज, हाउ डू कल्चरल एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस contribute to the pressure students feel during examinations and how can these external influences be addressed? Thank you. धन्यवाद डानिया। सर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी से मोहम्मद अर्श हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आपसे अपने मन के संदेह का निवारण चाहते हैं। मोहम्मद अर्श, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अर्श है। मैं जीएसबीवी बुराड़ी 12th एच का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम अपने परिवेश में परीक्षाओं को लेकर नकारात्मक चर्चाओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं जो हमारी पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या छात्रों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद। थैंक यू मोहम्मद। ओमान से डानिया शबू और दिल्ली से मोहम्मद अर्श तथा हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी समाज और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। कृपया उनका मार्गदर्शन करें। शायद मुझे बताया गया कि ये परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे 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 कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ये ट्रायल हुआ हो लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पर जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो हम मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे वह लगता है पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से
मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना होता है, दूसरा ये जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा, फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता है यार देखो कल तो कर नहीं पाए आज करूंगा, तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। दूसरा माँ बाप प्रेशर पैदा करते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्यों सोता रहा, चलो जल्दी उठते नहीं हो, पता नहीं एग्जाम है, और यहां तक कहते हैं देख वो तेरा दोस्त क्या करता है, तू क्या करता है। ये सुबह शाम जो कमेंट्री चलती है रनिंग कमेंट्री, और कभी माँ थक जाती आ जाए तो पापा की कमेंट्री शुरू होती है, कभी पापा थक जाते हैं तो बड़े भाई की कमेंट्री शुरू हो जाती है, और वो अगर कम पड़ता है तो स्कूल में टीचर की है। फिर या तो कुछ लोग ऐसे हैं जा तुमको जो करना है कर लो मैं अपना ऐसे ही रहूंगा, कुछ लोग इसे सिंसर लेते हैं, लेकिन ये दबाव का दूसरा प्रकार है। तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं समझ का अभाव है, और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं, जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसे स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए, उसकी एक सिस्टमेटिक थियोरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। धन्यवाद। पीएम सर, प्रेशर झेलने का मार्ग सुझाने के लिए आपका धन्यवाद। वीर सावरकर के बलिदान के साक्षी एवं अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक अभिभावक भाग्य लक्ष्मी जी हमसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही हैं। भाग्य लक्ष्मी जी अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। एक अभिभावक होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि छात्रा पर जो पीर प्रेशर रहता है, जो कि एक तरह से दोस्ती की सुंदरता छीन लेता है और छात्राओं को अपने ही दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करा देता है, उस पर आपकी क्या राय है, कृपया मुझे समाधान दे। धन्यवाद। धन्यवाद भाग्य लक्ष्मी जी। विश्व को सत्य, अहिंसा और धर्म की त्रिमूर्ति प्रदान करने वाली भूमि गुजरात स्थित पंचमहल के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा दृष्टि चौहान प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहती हैं। दृष्टि कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं दृष्टि चौहान जवाहर नवोदय विद्यालय पंचमहल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ।
मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद दृष्टि। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर, बारिश की पहली बूंदों से भीगने वाला राज्य केरल में स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कालीकट से स्वाति दिलीप हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं और आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्वाति, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम स्वाति दिलीप, अ क्लास 11 स्टूडेंट फ्रॉम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कालीकट ऑफ एर्नाकुलम रीजन। सर, कुड यू प्लीज गाइड अस on how in this competitive world we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads. Thank you, sir. धन्यवाद स्वाति। प्रधानमंत्री जी, कृपया भाग्य लक्ष्मी जी, दृष्टि और स्वाति द्वारा पूछे गए प्रश्नों में पीयर प्रेशर और कॉम्पिटिशन से होने वाली चिंता तथा इसके कारण रिश्तों में आने वाली कड़वाहट से कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए, कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी माँ बाप, दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए, तो कभी उन दो भाई बहन में भी या दो भाई में भी या दो बहनों में भी, देखिए माँ ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया, एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए, उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ दिव्यांग बच्चे उनकी एक कॉम्पिटिशन में सब दौड़ रहे हैं, 12-15 बच्चे अलग अलग, किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर जाता है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते, वाह ये तो गया, चलो यार एक तो स्पर्धा में कम हो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए, पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है।
अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना, तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है, खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप, अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे आप, ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए हमने, जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। और तीसरा, मां बाप के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मां बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहे, देख तू खेलता रहता है, देख वो किताबें पढ़ता है, तू ये करता रहता है, देख वो पढ़ता है, यानी वो भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं। तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके माँ बाप इन चीजों से बचे। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियां के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत नुकसान करता है। सचमुच में तो हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर अगर मैथमेटिक्स में एक्सपर्टाइज है, मेरी कम है, मेरे टीचर से ज्यादा अगर मेरा दोस्त मुझे मैथमेटिक्स में मदद करेगा तो वो मेरी साइकी समझ करके करेगा और हो सकता है मैं भी उसी की तरह मैथमेटिक्स में आगे जाऊंगा। वो अगर लैंग्वेज में वीक है और मैं लैंग्वेज में मजबूत हूं, मैं अगर लैंग्वेज में उसकी मदद करता हूं तो हम दोनों को एक दूसरे की ताकत जोड़ेगी और हम अधिक सामर्थ्यवान बनेंगे। और इसलिए कृपा करके हम अपने दोस्तों से स्पर्धा और ईर्ष्या के भाव में न डूबें। और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि खुद फेल हो जाए लेकिन अगर दोस्त सफल हुआ है तो मिठाई वो बांटता है। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं कि जो बहुत अच्छे नंबर से आए हैं लेकिन दोस्त नहीं आया, इसलिए उसने अपने घर में पार्टी नहीं की, फेस्टिवल नहीं मनाया, क्यों, मेरा दोस्त पीछे रह गया। ऐसे भी तो दोस्त होते हैं। और क्या दोस्ती लेन देन का खेल है क्या? जी नहीं, दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है। जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है।
और ये जो दोस्ती होती ना, वो स्कूलें छोड़िए जिंदगी भर आपके साथ रहती है। और इसलिए कृपा करके दोस्त हमसे ज्यादा तेजस्वी तपस्वी हमें चुनने चाहिए और हमेशा उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, स्पर्धा में भी मानवीयता का ये संदेश हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य, कृषि प्रधान प्रदेश तिरुमलय की पवित्र भूमि आंध्र प्रदेश स्थित ZP हाई स्कूल उपरापल्ली अनकापल्ली जिले के संगीत शिक्षक श्री कोंडा कांची संपत राव जी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। संपत राव जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री वर्ग की नमस्कार मंजलि, मेरा नाम कोंडकंच संपत राव है और मैं ZP हाई स्कूल उपरापल्ली अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में शिक्षक हूँ। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में मैं किन तरीकों से अपने छात्रों को परीक्षा देने में तनाव मुक्त बनाने में मदद कर सकता हूँ, कृपया इस पर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भारत के पूर्व में चाय बागानों तथा सुंदर पर्वतीय प्रदेश ब्रह्मपुत्र की भूमि असम के शिव सागर स्थित हाशारा हाई स्कूल से एक टीचर बंटी मेधी जी, जो कि सभागार में उपस्थित है, प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम बंटी मेधी, ए टीचर फ्रॉम शिवसागर डिस्ट्रिक्ट आसाम। माय क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, प्लीज गाइड अस, थैंक यू। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, कृपया आंध्र प्रदेश के संगीत शिक्षक श्री संपत राव जी और सभागार में उपस्थित शिक्षिका बंटी मेथी जी द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों में वे परीक्षा के समय शिक्षकों की भूमिका के विषय में जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने में सहायता करें। कृपया समस्त शिक्षक वर्ग का मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो मैं समझता हूँ जो संगीत के टीचर है वो तो अपने क्लास नहीं पूरी स्कूल के बच्चों का तनाव खत्म कर सकते हैं। संगीत में वो सामर्थ्य है। हाँ, अगर हम कान बंद कर करके संगीत में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं, संगीत बज तो रहा है लेकिन हम कहीं और होते हैं और इसलिए हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी टीचर के मन में जब ये विचार आता है कि मैं स्टूडेंट के इस तनाव को कैसे दूर करूं, मैं हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन शायद मुझे लगता है कि टीचर के मन में परीक्षा का कालखंड है। अगर टीचर और स्टूडेंट का नाता परीक्षा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन, वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी।
आप सोचिए, आज मोबाइल का जमाना है, स्टूडेंट के पास भी आपका मोबाइल होगा ही होगा। क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आपको फोन किया है, कॉल पर कांटेक्ट किया है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं चिंता में हूं? कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में आपका कोई विशेष स्थान है। उसको लगता है कि आपका मेरा नाता सब्जेक्ट है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, लैंग्वेज है। जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। अगर ये नाता है तो एग्जाम के समय तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। आपने कई डॉक्टर्स देखे होंगे, उन डॉक्टर में डिग्री तो सबके पास होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ज्यादा सफल इसलिए होते हैं कि पेशेंट आकर के जाने के बाद एक आध दिन के बाद फिर उसको फोन करते हैं कि भाई आपने वो दवाई ठीक से ले ली थी, कैसा है आपका। वो दूसरे दिन अपने अस्पताल आएगा तब तक इंतजार करने के बजाय बीच में एक आध बार बात कर लेते हैं, और वो बॉन्डिंग होता है ना, वो उसको आधा ठीक कर देता है। आप में से कोई टीचर ऐसे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया और जाकर के उसे परिवार में बैठ करके कहा, भाई आज तो मैं मिठाई खाने आया हूं, आपके बच्चे ने इतना शानदार कर दिया, आज आपसे मिठाई खाऊंगा। आपको कल्पना आती है कि उस मां बाप को जब आप बच्चे ने तो बताया ही होगा घर में जाकर के कि आज मैं ये करके आया हूं, लेकिन एक टीचर खुद जाकर के अगर बताता है तो उस परिवार में टीचर का आना, टीचर का बताना उस बच्चे को भी ताकत देगा और परिवार भी कभी कभी और कुछ सोचता होगा। जब टीचर ने आके कहा तो परिवार भी सोचा है, यार मेरे बच्चे में ये तो शक्ति हमें मालूम नहीं थी, लेकिन टीचर ने जो वर्णन किया वाकई हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि एकदम से माहौल बदल जाएगा। और इसलिए पहली बात यह है, परीक्षा के समय तनाव दूर करने के लिए क्या करना, उसके लिए तो मैंने बहुत कुछ कह चुका हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। लेकिन अगर वर्ष भर आपका उसके साथ नाता रहता है, मैं तो कभी कभी पूछता हूं कई टीचरों को कि भाई आप 30 साल से टीचर हैं, जो पहले बार आपके यहां पढ़ाई करके गए होंगे शुरू में, अब तो उनकी शादी हो गई होगी, क्या कोई आपका स्टूडेंट अपना शादी का कार्ड देने आया था क्या? 99% टीचर मुझे कहते हैं कि नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं आया। मतलब हम जॉब करते थे, हम जिंदगी नहीं बदलते थे। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है, और वही परिवर्तन लाता है। धन्यवाद। शिक्षक एवं शिष्य के संबंधों में आपसी विश्वास महत्वपूर्ण है, हमें नया दृष्टिकोण देने के लिए धन्यवाद। अद्भुत जनजातीय संस्कृति को समेटे पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा के प्रणवानंद विद्या मंदिर पश्चिम त्रिपुरा की छात्रा आद्रिता चक्रवर्ती हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी समस्या का समाधान चाहती हैं। आद्रिता कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम आद्रिता चक्रवर्ती है, मैं प्रणवानंद विद्या मंदिर पश्चिम त्रिपुरा में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि पेपर खत्म होने के
आखिरी कुछ मिनटों में मैं घबरा जाती हूँ और मेरा लिखावट भी बिगड़ जाती है। मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं? मुझे इसका समाधान दीजिए। धन्यवाद श्रीमान। थैंक यू आद्रता। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर दान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय करब कांकेर के छात्र शेख तैफुर रहमान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं तथा परीक्षा के तनाव से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। तैफुर रहमान, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम शेख तैफुर रहमान है। मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कांकेर छत्तीसगढ़ का छात्र हूँ। मान्यवर, परीक्षा के दौरान अधिकांश छात्र घबराहट महसूस करते हैं, जिसके कारण वे मूर्खतापूर्ण गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि प्रश्नों को सही ढंग से ना पढ़ना आदि। मान्यवर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि इन गलतियों से कैसे बचा जाए, कृपया अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। शुक्रिया तैफूर। उड़ीसा आदर्श विद्यालय कटक से हमारे बीच इस सभागार में एक छात्रा राजलक्ष्मी आचार्य मौजूद है। वे प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। राजलक्ष्मी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जय जगन्नाथ। किस तरफ है राजलक्ष्मी? हाँ, जय जगन्नाथ। माय नेम इज राजलक्ष्मी आचार्य। आई एम फ्रॉम ओडिशा आदर्श विद्यालय जोकीदोला बांकी कटक। सर, माय क्वेश्चन इज, इट इज इजी टू से यू फेस एग्जाम विथ अ कूल माइंड, बट इन एग्जाम हॉल द सिचुएशन इज सो स्कैरी, लाइक डोंट मूव, लुक स्ट्रेट एंड सो ऑन, देन हाउ कैन इट बी सो कूल? थैंक यू सर। धन्यवाद राजलक्ष्मी। प्रधानमंत्री जी, आद्रिता, तैफुर और राजलक्ष्मी और इनके जैसे अनेक विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा पे चर्चा के पिछले सभी संस्करणों में प्रायः ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और अब भी ये प्रश्न कुछ विद्यार्थियों के चिंता का कारण बना हुआ है कि वे परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव का सामना कैसे करें। कृपया इनका मार्गदर्शन कीजिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? आप देखिए कैसी गलती होती है। कुछ गलतियां यानी रोजमर्रा की हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो पता चलेगा। कुछ गलतियां पेरेंट्स का अति उत्साह कर देता है, कुछ गलतियां स्टूडेंट की अतिशय सिंसियरिटी कर देती है। मैं समझता हूँ इससे बचा जाए। जैसे मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप को लगता है कि आज एग्जाम है तो बेटे को नई पेन ला करके दो, जरा कपड़े अच्छे पहना करके भेजो, तो उसका काफ़ी समय तो उसमें एडजस्ट होने में ही जाता है। शर्ट ठीक है कि नहीं है, यूनिफॉर्म ठीक पहना है कि नहीं पहना है। माँ बाप से मेरा आग्रह है, जो पेन रोज उपयोग करता है ना वही दीजिए आप, या वहाँ पेन दिखाने थोड़ा जा रहा है वो। और परीक्षा के समय किसी को फुर्सत नहीं, आपका बच्चा नया पहन करके आया है, पुराना पहन के आया है, तो ये साइकी उनको बाहर आना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें खिला करके भेजेंगे, तुझे एग्जाम है ये खा के जाओ, एग्जाम है ये खा के जाओ, तो उसको और मुसीबत होती है, जिसका वो कंफर्ट नहीं है। आवश्यकता से अधिक उस दिन खाना, फिर माँ कहे अरे तुम्हारा तो एग्जाम सेंटर इतना दूर है, तुम रात आते आते 7 बज जाएगा, ऐसा करो कुछ खा के जाओ, फिर कहेगी कुछ लेके जाओ, उसको रजिस्ट करने लगता है, नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। वहीं से तनाव शुरू हो जाता है, घर से निकलने से पहले हो जाता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से अपेक्षा है और मेरा सुझाव है कि आप उसको अपनी मस्ती में जीने दीजिए। एग्जाम देने जा रहा है तो उत्साह उमंग के साथ चला जाए, बस जो उसकी रोजमर्रा की आदत है वैसा ही रहे वो। फिर जो सीनियर स्टूडेंट है उनका प्रॉब्लम क्या होता है, दरवाजे तक किताब छोड़ते नहीं, दरवाजे तक
अब आप अचानक इस प्रकार से इवन रेलवे स्टेशन पर भी जाते हैं ना, तो कभी ट्रेन की एंट्री और आपकी एंट्री ऐसा होता है क्या? आप 5-10 मिनट पहले जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, कहाँ आपका डिब्बा आएगा उसका अनुमान लगाते हैं, फिर उस जगह पे जाते हैं, फिर सोचते हैं कि पहले कौन सा लगेज अंदर ले जाऊंगा, फिर कौन सा, यानी मन आपका तुरंत अपने आप को ट्रेन आने से पहले ही सेट करने लग जाता है। वैसे ही आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, हो सकता है वो कोई सुबह से आपके लिए खोल के नहीं रखेंगे, लेकिन 10-15 मिनट पहले तो अलाउ कर ही देते हैं, तो आराम से जैसे ही खुले अंदर पहुंच जाइए और आराम से बैठिए मस्ती से। जरा पुरानी कोई हंसी मजाक की चीजें हैं तो उसको जरा याद कर लीजिए और दोस्ती बगल में तो एक आध चुटकुला सुना दीजिए, हंसी मजाक में पल 5-10 मिनट बिता दीजिए। कुछ नहीं है जान पाने, कम से कम एक डीप ब्रीथिंग करिए, बहुत गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे 8-10 मिनट खुद के लिए जिए, आप खुद में खो जाइए, एग्जाम से बाहर निकल जाएंगे। और फिर जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप कंफर्ट होंगे, वरना क्या होता है, वो आया कि नहीं, वो देखा कि नहीं, वो कैसा है, पढ़ा नहीं, टीचर कहाँ दिखता है, सीसीटीवी कैमरा है, अरे आपका क्या काम है जी, सीसीटीवी कैमरा किसी भी कोने पर पड़ा है, तेरा क्या लेना देना है जी। हम इन्हीं चीजों में लटके रहते हैं जी, और वही बिना कारण हमारी शक्ति समय वेस्ट करता है। हमने खुद में ही खोए रहना चाहिए, और जैसा ही क्वेश्चन पेपर आ जाए तो कभी कभी तो आपने देखा होगा कि अगर आप फर्स्ट बेंच पर आपका नंबर आया है लेकिन क्वेश्चन पेपर वो पीछे से बांटना शुरू करता है तो आपका दिमाग फड़कता है, देखिए मेरे से तो 5 मिनट पहले उसको मिलेगा, मुझे 5 मिनट बाद में मिलेगा, ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है ना। अब ऐसी चीजों में अपना दिमाग खपाओगे कि पहले क्वेश्चन पेपर मुझे मिला कि 20 नंबर के बाद मिला, तो आप अपनी एनर्जी, आप परिस्थिति तो पलट नहीं सकते, टीचर ने वहां से पूछू कि आप खड़े होकर नहीं कह सकते पहले मेरे से, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, तो आपको पता है ऐसा होना, फिर ऐसे ही अपने अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए। एक बार आप ये अगल बगल की सारी दुनिया, और हम बचपन से पढ़ते तो आए हैं, वो अर्जुन को पक्षी की आंख वाली कथा तो सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन में आता है तो नहीं, पेड़ भी दिखता है, पत्तियां भी दिखती है, तब आपको वो पक्षी की आंख नहीं दिखती है। आप भी मन में ये कथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको जीवन में लाने का मौका होता है। तो पहली बात तो ये है कि इन सारी बाह्य चीजों से आप, दूसरा परीक्षा में घबराहट का कभी कारण ये होता है, कभी लगता है समय कम पड़ गया, कभी लगता है कि अच्छा होता मैं वो क्वेश्चन पहले कर लेता, तो इसका उपाय ये है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, फिर मन से तय कीजिए कि किस आंसर में कितना मिनट मोटा मोटा मेरा जाएगा, और उसी प्रकार से अपना समय तय कर लीजिए। अब खाना खाते हैं, आप खाने के लिए बैठते हैं तो घड़ी देख करके थोड़े खाते, भाई 20 मिनट में खाना खाना है, तो खाते खाते आदत हो ही जाती है, हाँ भाई अब इतने में 20 मिनट भी हो गए और खाना भी हो गया, इसके लिए कोई घड़ी और कोई बेल थोड़ा बजता है कि चलो अब खाना शुरू करो, अब खाना बंद करो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये प्रैक्टिस है। दूसरा मैंने देखा है कि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण ये समझ है, आप मुझे बताइए, आप एग्जाम देने जाते हैं मतलब आप फिजिकली क्या करते हैं, आप फिजिकली पेन हाथ में पकड़ करके लिखते हैं, यही करते हैं ना, दिमाग अपना काम करता है लेकिन आप क्या करते हैं, लिखते हैं। आज के युग में आईपैड के कारण, कंप्यूटर के कारण, मोबाइल के कारण मेरी लिखने की आदत धीरे धीरे कम हो गई है, जबकि एग्जाम में लिखना होता है,
इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर एग्जाम के लिए तैयार करना है तो मुझे अपने आप को लिखने के लिए भी तैयार करना है। आजकल बहुत कम लोग हैं जिनको लिखने की आदत है और इसलिए डेली जितना समय आप अपने पठन पाठन में लगाते हैं स्कूल के बाद, उसका मिनिमम 50% टाइम आप खुद अपनी नोटबुक के अंदर कुछ न कुछ लिखेंगे, हो सके तो उस विषय पर लिखेंगे और 3 बार 4 बार खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे और खुद का लिखा हुआ करेक्ट करेंगे, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा किसी की मदद बिना इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको बाद में लिखने की आदत हो जाएगी। तो कितने पेज पे लिखना, इतना लिखने में कितना समय जाता है, ये आपकी मास्टरी हो जाएगी। कभी कभी मन से विषय आपको लगता है ये तो मुझे आता है, जैसे आप मान लीजिए कोई बड़ा प्रसिद्ध कोई गाना सुन रहे हैं, गाना बज रहा है तो आपको लगता है ये गाना तो मुझे आता है क्योंकि आपने बहुत बार सुना है, लेकिन एक बार गाना बन करके जरा कागज पे लिखो ना, वो गाना आता है क्या, तो पता चलेगा नहीं यार, सुनते समय जो मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे अच्छा लगता था और आता था, हकीकत में मुझे आता नहीं था, मुझे वहां से प्रॉम्प्टिंग होती थी इसलिए मुझे वो लाइन याद आ जाती थी और उसमें भी परफेक्ट शब्द के संबंध में जब बात आएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मेरी आज की पीढ़ी के साथियों से बहुत मेरा आग्रह है कि कृपा करके आपकी एग्जाम में एक बड़ी चैलेंज होती है लिखना, कितना याद रहा, सही रहा, गलत रहा, सही लिखते हैं गलत, तो वो तो बात का विषय है, आप अपना ध्यान प्रैक्टिस में इस पर कीजिए। अगर ऐसी कुछ चीजों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो अनकंफर्ट या प्रेशर फील करते हैं वो आपको लगेगा ही नहीं क्योंकि आप आदि हैं। अगर आपको तैरना आता है तो पानी में जाने से डर नहीं लगता है आपको क्योंकि आप तैरना जानते हैं, आपने किताबों में तैरना ऐसे होता है और आप सोचते हैं हाँ मैं तो पढ़ा था भाई, हाथ पहले ऐसे करते फिर दूसरा हाथ फिर तीसरा हाथ फिर चौथा हाथ, तो फिर आपको लगता है हाँ पहले हाथ पहले पैर दिमाग से खप कर लिया, अंदर जाते ही फिर मुसीबत शुरू हो जाती है। लेकिन जिसने पानी में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी, उसको कितना ही गहरा पानी क्यों हो, उसको भरोसा होता है मैं पार कर जाऊंगा। और इसलिए प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, लिखने की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है और लिखना जितना होगा शार्पनेस ज्यादा आएगी, आपके विचारों में भी शार्पनेस आएगी और अपनी लिखी हुई चीज को 3 बार 4 बार पढ़ के खुद करेक्ट कीजिए। जितना ज्यादा खुद करेक्ट करोगे आपकी उस पर ग्रिप बहुत ज्यादा आएगी, तो आपको अंदर बैठ करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, अगल बगल में वो बड़ी स्पीड से लिख रहा है, मैं तो तीसरे क्वेश्चन पे अड़ा हुआ हूं, वो तो 7वें पर चला गया, दिमाग इसमें मत खपाइए बाबा, वो 7वें पहुंचे 9वें पहुंचे करे न करे वो पता नहीं, वो सिनेमा की स्टोरी लिखता होगा। तुम अपने पर भरोसा करो, तुम अपने पर भरोसा करो, अगल बगल में कौन क्या करता है छोड़ो, जितना ज्यादा अपने आप पर फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा इतना ही आपके आंसर के एक एक शब्द पर हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको परिणाम उचित मिल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद पीएम सर, तनाव प्रबंधन का ये सूत्र जीवन भर हमें प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री जी, राजसमंद राजस्थान के छात्र धीरज सुथार, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंदवा में पढ़ते हैं, हमारे बीच इस हॉल में मौजूद हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। धीरज, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं धीरज सुथार,
मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोंदवा राजसमंद राजस्थान से हूँ। मैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है। और आपकी ये चिंता भी सही होगी। धन्यवाद धीरज। अपनी सांस्कृतिक परंपरा और बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जाबाजों के शौर्य के लिए विख्यात उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही है और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। नजमा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम नजमा खातून है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल लद्दाख में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि परीक्षा की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं, धन्यवाद। शुक्रिया नजमा। पूर्वोत्तर भारत के रत्न जनजातीय बहुल राज्य अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से एक शिक्षिका टॉबी लामी जी इस सभागार में उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम टॉबी लामी है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, विद्यार्थी खेल कूद नहीं बल्कि पढ़ाई में मुख्य रूप से क्या और कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, धीरज, नजमा और तोबी जी पढ़ाई और हेल्दी लाइफ में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत भी हो गई होगी। लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं नहीं मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो कि नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते ही रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते, लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में ही बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे ही करके बैठा रहना पड़ेगा।
और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ नियमितताएं होती हैं। अब आप कभी सोचिए कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है, क्या कभी कोशिश की? नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ, तो उसको उसका इंटरफेरेंस मत मानिए। ज़्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि तुम कौन होती हो, सोने सो जाओ और मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा तुम्हें क्या लेना, ऐसा करते हैं ना घर में। जो नहीं करते हैं मन ना बोले, जो करते हैं वो बोले जरा, करते हैं? कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना, कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। ऐसे हम नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी, मोदी जी को मिला था उसने कहा है सो जाओ। अभी यहां आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में घुसते ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको एक उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे, सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं, बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, ये जो टीचर बैठे ना बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं, अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था होता नहीं, 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई, क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं, और वो बैलेंस जो बड़ी आयु के लोग हो परेशान होते होंगे, हाँ यार हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं, और ये आप अचीव कर सकते हैं। फिर एक विषय है न्यूट्रिशन, संतुलित आहार
और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। 10th 12th का एक कालखंड ऐसा है जब आपके पास एग्जाम का वातावरण है, तो एक बार तय कीजिए कि मेरे शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं लेता हूं। माँ बाप भी बच्चे को ऐसा ना करें, नहीं नहीं आज तो हलवा बनाया जरा ज्यादा खा ले। कभी माँ बाप को भी लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा खिला दी तो बच्चा आज खुश है, जी नहीं, उसके शरीर। और इसके लिए कोई अमीरी गरीबी का मुद्दा नहीं है, जो उपलब्ध चीजें होती हैं उसी में से मिल जाता है जी, उसमें सारी चीजें रहती हैं, कम से कम खर्च वाली भी चीजें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को कैर कर सकती है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, हमने पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं वो छत पे चले जाते हैं, किताब लेके चलते हैं और पढ़ते रहते हैं, दोनों काम कर लेते हैं, कुछ गलत नहीं है। वो पढ़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए, ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है। अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे, एग्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। संतुलित करिए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। पीएम सर, आपने एग्जाम वॉरियर में भी हमें यही संदेश दिया है, जितना खेलोगे उतना खिलोगे। थैंक यू पीएम सर। रविंद्रनाथ टैगोर वंदे मातरम की अमर भूमि, समृद्ध कला कौशल से भरपूर राज्य बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित केंद्रीय विद्यालय की छात्रा मधुमिता मल्लिक हमसे वर्चुअल माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती है। मधुमिता, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम मधुमिता मल्लिक है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर थलसेना कोलकाता संभाग की 11वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है, आप उन छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपने करियर के बारे में अनिश्चित हैं या किसी विशेष करियर या पेशे को चुनने के बारे में दबाव महसूस करते हैं? कृपया इस विषय पर मुझे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मधुमिता। पीएम सर, भगवान कृष्ण की उपदेश भूमि, वीर बहादुर खिलाड़ियों के प्रदेश हरियाणा पानीपत के द मिलेनियम स्कूल की छात्रा अदिति तनवर ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अदिति, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अदिति तनवर है और मैं द मिलेनियम स्कूल पानीपत हरियाणा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि मैंने ह्यूमैनिटीज को अपने विषय के रूप में चुना है और लोग रोज मुझ पर ताने कसते हैं। मुझे यह विषय पसंद है इसलिए मैंने इसे चुना है, पर कभी कभी तानों को संभालना मुश्किल हो जाता है। इन्हें कैसे संभालें और कैसे नजरअंदाज करें, मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान, नमस्कार। थैंक यू अदिति। मधुमिता और अदिति तथा इन जैसे कुछ विद्यार्थी जीवन में करियर के चयन में दबाव अनुभव करते हैं। सर, एक विशेष करियर या स्ट्रीम चुनने की मानसिकता के दबाव की समस्या का कैसे समाधान करें? मुझे नहीं लगता है कि आप स्वयं कंफ्यूज हैं, आप स्वयं उलझन में हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हकीकत यह है कि आपको अपने पर भरोसा नहीं है, आपका अपने सोचने के संबंध में दुविधा है।
और इसलिए आप 50 लोगों को पूछते रहते हैं क्या लगता है ये करूं तो क्या लगेगा ये करूं तो, आप खुद को जानते नहीं हैं और उसके कारण आप किसी के एडवाइस पर डिपेंडेंट रहते हो। और जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा लगता है आपको और जो एडवाइस आपको सबसे सरल लगती है आप उसी को एडॉप्ट कर लेते हो। अब जैसे मैंने कहा कि खेलो, अब बहुत कुछ होंगे जो आज कल बोर्ड लेकर के घर जाएंगे, मोदी जी ने कहा है खेलो 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 खेलो, अब मैं पढ़ूंगा नहीं बस, क्यों उसने अपनी चीज पसंद कर ली है। मैं समझता हूं कि सबसे बुरी जो स्थिति है ना वो कंफ्यूजन है। अनिर्णायकता है, अनिर्णायकता। आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऐसी कथा चलती थी, कोई गाड़ी लेकर के जा रहा था और कुत्ता तय नहीं कर पाया इधर जाओ उधर जाओ और आखिरकार वो नीचे आ गया। यही होता है, अगर उसको पता है कि मैं उधर चला जाऊं तो हो सकता है कि वो ड्राइवर भी उसको बचा ले, लेकिन आ इधर गया इधर गया इधर गया तो ड्राइवर कितना ही एक्सपर्ट होगा नहीं बचा पाएगा। हमें अनिश्चितता से भी बचना चाहिए, अनिर्णायकता से बचना चाहिए और निर्णय करने से पहले सारी चीजें हमने उसको जितने तराजू पर तोल सकते हैं तोलना चाहिए। दूसरा, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि फलानी चीज वैसी है ठीक नहीं चीज है। अब मुझे बताइए, स्वच्छता का विषय अगर प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो बहुत मामूली विषय है कि नहीं है, बहुत मामूली विषय है कि नहीं है। कोई भी कहेगा यार पीएम को इतने सारे काम है ये स्वच्छता स्वच्छता करता रहता है, लेकिन जब मैंने उसके अंदर अपना मन लगा दिया, हर बार मैंने उसको अपना एक महत्व का साधन बना दिया, आज स्वच्छता देश का प्राइम एजेंडा बन गया कि नहीं बन गया। स्वच्छता तो छोटा विषय था लेकिन अगर मैं उसे जान मैंने भर दी तो वो बहुत बड़ा बन गया। इसलिए हम ये न सोचे, आपने देखा होगा कल मैं पूरा तो पढ़ नहीं पाया लेकिन मेरा नजर गई कि किसी ने कहा है कि पिछले 10 साल में आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में भारत का मार्केट 250 गुना बढ़ गया है। अब आज से पहले कोई पेंटिंग करता तो माँ बाप कहते पहले पढ़ाई करो, वैकेशन में पेंटिंग करना, उसको लगता ही नहीं था कि पेंटिंग भी जीवन में महत्व का विषय हो सकता है। और इसलिए हम किसी चीज को कम ना आके हमारे में दम होगा तो हम उसको जान भर देंगे। हमारे में सामर्थ्य होना चाहिए और जो चीज हाथ में लें उसमें जी जान से जुट जाएं। हम आधे अधूरे, यार उसने ये लिया मैं ये लेता तो शायद अच्छा होता, उसने ये लिया मैं ये लेता तो अच्छा होता, ये उलझन आपको बहुत संकटों में डाल सकती है। दूसरा विषय है कि आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आपके लिए बहुत सुविधा कर दी है, आप एक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं लेकिन आपको कहा मन कर गया चलो एक और ट्रायल करना है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, आपकी राह बदल सकते हैं, आपको किसी पर बंध रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप प्रगति कर सकते हैं। और इसलिए अब शिक्षा में भी बहुत, आज मैं भी एग्जीबिशन देख रहा था, मैं देख रहा था कि बच्चों की प्रतिभा जिस प्रकार से प्रकट हुई है प्रभाव करने वाली है। सरकार का INB मिनिस्ट्री सरकार की योजनाओं को कम्युनिकेट करने के लिए जो करे उससे ज्यादा मैंने देखा इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। नारी शक्ति का महत्व तो इतने बढ़िया तरीके से रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी हालत में हमें निर्णायक होना ही चाहिए और एक बार निर्णायक होने की आदत लग जाती है ना फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है। वरना तो आपने देखा होगा कि कभी हम
रेस्टोरेंट में चले जाएं परिवार के साथ। आप याद कीजिए, आप मुझे तो वो मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिलता होगा। रेस्टोरेंट में जाते होंगे, पहले आप सोचते होंगे मैं ये मंगवाऊंगा, फिर बगल वाले टेबल पर कुछ देखते हैं तो कहता है नहीं ये मंगवाऊंगा, फिर वो बेरा जो है कुछ और ट्रे में लेके जाकर दिखता है मुझे, यार ये कुछ और है, नहीं ये क्या है भाई, ये है, अच्छा मेरे वो दो कैंसिल ये ले आओ। अब उसका कभी पेट ही नहीं भरेगा जी, उसको कभी संतोष नहीं होगा, और जिस डिश आएगी तो उसको लगेगा यार इसके बजाय वो पहले वाला ले लिया होता तो अच्छा होता। जो लोग रेस्टोरेंट के डाइनिंग टेबल पर निर्णय नहीं कर पाते हैं वो कभी रेस्टोरेंट का या खाने का आनंद नहीं ले सकते हैं। आपको निर्णय बनना पड़ता है। अगर आपकी मां आपको डेली सुबह पूछे आज क्या खाओगे और आपके सामने 50 वैरायटी बोल दे, आप क्या करोगे? घूम फिर करके आ जाओगे, रोज खाते हो वहीं पर आके खड़े हो जाओगे। मैं समझता हूं कि हमें आदत डालनी चाहिए कि हम निर्णायक बने। निर्णय लेने से पहले 500 चीजों को हम बारीकियां देखें, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखें, प्लस माइनस पॉइंट के लिए किसी से पूछे, लेकिन उसके बाद हम निर्णायक बने। और इसलिए कंफ्यूजन किसी भी हालत में आप किसी के लिए अच्छा नहीं है, अनिर्णायकता और खराब होती है, और उसमें से हमने बाहर आना चाहिए। थैंक यू। सर, निर्णय की स्पष्टता में ही सफलता निहित है, आपका यह कथन सदा याद रहेगा। धन्यवाद। शांत समुद्र तट, चित्रमय गलियां और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध नगर पुडुचेरी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सदरापट की छात्रा दीवश्री हमारे बीच इस सभागार में मौजूद हैं और अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। दीवश्री, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते, वणक्कम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। वणक्कम वणक्कम। माय नेम इज दीपश्री, आई एम कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेदरापट पुलचेरी। माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी बिल्ड आवर ट्रस्ट इन पेरेंट्स दैट वी आर वर्किंग हार्ड। थैंक यू सर। धन्यवाद दीपश्री। प्रधानमंत्री जी, हम माता पिता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इस विषय पर दीवश्री आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। आपने सवाल पूछा है, लेकिन सवाल के पीछे दूसरा सवाल है आपके मन में जो आप पूछ नहीं रही है। दूसरा सवाल यह है कि पूरे परिवार में मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये यानी आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है। आपने उसको प्रस्तुत ऐसे किया घर में कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन ये सोचने का विषय है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि ऐसा क्या कारण है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है, एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है, और इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से
अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। आखिरकार माँ बाप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा। कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहेली को मिलने जा रही हूं, और माँ बाप ने अगर बात में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहां गई नहीं थी, तो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो जाते, यार उसने तो कहा था वहां जाऊंगा, लेकिन बांडी जब वहां गए नहीं, लेकिन आकर के कह दिया कि मैंने तय किया था उनके यहां जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया तो मैं वहां चला गई थी। तो कभी भी ये ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा नहीं होगी। और एक विद्यार्थी के नाते हमें जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था मम्मी आप सो जाओ, चिंता मत कीजिए, मैं तो पढ़ लूंगा, और मम्मी चुपके से देखती और मैं सो रहा हूं, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। ये तो कह रहा था मैं पढ़ूंगा लेकिन पढ़ नहीं रहा है, सोया पड़ा है। आप कहते थे कि माँ मैं अब एक सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन छुपके से दिख रहा है माँ को, करे तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाती है। क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या? अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को इस प्रकार की ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी, आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा। उसी प्रकार से मां बाप को भी सोचना चाहिए। कुछ मां बाप को ऐसी आदत होती है, जैसे मान लीजिए किसी मां बाप ने, मां ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है और बेटा आया है, किसी ने किसी कारण से उसका खाने का मन नहीं है लेकिन बहुत कम खाया, तो माँ क्या कहेगी? जरूर कहीं खा करके आए होंगे, जरूर किसी के घर में पेट भर करके आए होंगे। तो फिर उसको चोट पहुंचती है, फिर वो सच बोलता नहीं है, फिर माँ को ठीक रखने के लिए ठीक है चलो अच्छा लगे बुरा लगे मैं जितना मुंह में डाल पोस्ट ऑफिस में डालता हूं डाल दूंगा, ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है। हर घर के अंदर ये अनुभव आता होगा, आपको माताजी ने पिताजी ने मानो आपको पैसे दिए और आपको कहा एक महीने का तुम्हारा ये 100 रुपया तुम्हें देते हैं पॉकेट का, और फिर हर तीसरे दिन पूछते हैं वो 100 रुपये का कह दिया, अरे भाई तुमने 30 दिन के लिए दिया है ना, दूसरा मांगने तो आया नहीं तुम्हारे पास, तो भरोसा करो ना, अगर भरोसा नहीं तो नहीं देना था। ज्यादातर मां बाप के केस में ऐसा होता है, रोज पूछते हैं अच्छा वो 100 रुपया, हाँ कोई ये तो पूछ सकता है, पूछने का तरीका हो सकता है, कोई कहे बेटा उस दिन पैसे नहीं थे तुम्हें 100 ही रुपये दिए थे, तुम चिंता मत करना जरूरत पड़े तो कह देना। तो उस बच्चे को लगे नहीं नहीं मेरे माता पिता ने मुझे 100 रुपया, देखो आपकी पसंद की बात आई तो ताली बजाते हो आप लोग अगर वही सवाल एक पूछते 100 का क्या किया इसके बजाय कह दे, तो बेटा कहेगा ना मां बिल्कुल नहीं मेरे पास पैसे हैं सफिशिएंट है। यानी हमारा एक दूसरे के बाद बीच बात करने का तरीका कैसा है, ये चीजें सामान्य जीवन में जो अनुभव आती हैं वो फिर धीरे 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 एजुकेशन सिस्टम के साथ रोजमर्रा की हमारी अपेक्षाएं होती है उसके टकराव में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कहा मार्क्स क्यों नहीं आए, बस तुम पढ़ते ही होंगे, ध्यान देते ही नहीं होंगे, क्लास में बैठते नहीं होंगे, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते होंगे, हो सकता है वो पैसे हैं सिनेमा देखने चले गए होंगे, मोबाइल फोन पर रील देखते होंगे, फिर वो कुछ न कुछ कहना शुरू हो जाता है, फिर दूरी बढ़ जाती है, पहले ट्रस्ट खत्म हो जाता है फिर दूरी बढ़ जाती है, और ये दूरी कभी कभी बच्चों को डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है। और इसलिए माँ बाप के लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से टीचर्स ने भी बच्चों के साथ इतना खुलापन रखना चाहिए।
सहज रूप से अपनी बात कह सके। अगर उसको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो कोई टीचर हड़का देगा, तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला, तो बाकियों के विद्यार्थियों का टाइम खराब मत करो, बैठ जाओ। कभी कभी क्या करते हैं टीचर भी, जो चार पांच होनहार बच्चे होते हैं ना, उनको वो बहुत प्रिय लगते हैं, उनसे उनका मन लग जाता है। बाकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो जाने उनका नसीब जाने, ये दो चार में अपना मन लगा देते हैं, सब चीजें वाहवाही उन्हीं की करते रहते हैं, वही रिजल्ट देकर गए। अब आप उसको कितना आगे ले जा पाते हो तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो है वहां से नीचे गिरा देते हैं। और इसलिए कृपा करके आपके लिए सभी स्टूडेंट समान होने चाहिए, सबके साथ इक्वली। हाँ, जो तेज होगा वो अपने आप में से जो अमृत है वो ले लेगा, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसके प्रति अगर आप सिंपैथेटिक, और उसमें भी मैं मानता हूं उसके गुणों की तारीफ कीजिए। कभी गए एक बच्चा बिल्कुल वीक है पढ़ने में, लेकिन उसके हैंडराइटिंग अच्छे है, तो उसके सीट पे जाकर के, अरे यार क्या बढ़िया लिखते हो तुम, कितने हैंडराइटिंग तुम्हारे अच्छे है, क्या स्मार्टनेस है तुम्हारी। कभी ऐसा एक डल विद्यार्थी है, अरे यार तेरा कपड़ा बहुत अच्छा है, शर्ट बहुत अच्छा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो आपके साथ खुलने लग जाएगा, वो आपसे बातें करने लगेगा कि ये शाप के प्रति मेरे प्रति उनका ध्यान है। अगर ये सहज वातावरण बन जाएगा तो मैं नहीं मानता हूं कि, लेकिन ये विद्यार्थियों का भी उतना ही दायित्व है, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरी ऐसी कौन सी बातें थी जिसने मेरे घर के लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ गया। ये किसी भी हालत में हमारे आचरण से हमारे परिवार के, हमारे टीचर का हम पे भरोसा उठना नहीं चाहिए। हमसे कुछ नहीं हुआ तो कहना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि परिवार में एक प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बेटे या बेटी के 5 दोस्त हैं, तय कीजिए कि महीने में एक बार 2 घंटे वो पांचों परिवार किसी एक परिवार में एकत्र होंगे, दूसरे महीने दूसरे परिवार में, बिल्कुल गेट टुगेदर करेंगे। और उसमें बच्चे बूढ़े सम हो गए, ऐसा नहीं कि दो लोगों को घर छोड़ चुका जाएंगे, 80 साल के माँ बाप भी अगर फिजिकली फिट आ सकते हैं उनको भी लेके आइए। और फिर तय कीजिए कि आज वो तो तीसरे नंबर का दोस्त है, उसकी माता जी एक कोई पॉजिटिव बुक पढ़ करके उसकी कथा सुनाएगी। अगले बार तय किए जो 4 नंबर का दोस्त है, उसके पिताजी एक कोई पॉजिटिव मूवी देखा होगा तो उसकी कथा सुनाएंगे। जब भी आप 1 घंटे का गेट टुगेदर करें, सिर्फ और सिर्फ उदाहरणों के साथ, किसी रेफरेंस के साथ पॉजिटिव चीजों की चर्चा करें, वहां के किसी के रेफरेंस से नहीं, आप देख लेना धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी परकुलेट होगी। और यही पॉजिटिविटी सिर्फ आपके बच्चों के प्रति नहीं, अंदर अंदर भी ऐसा ट्रस्ट का वातावरण बना देगी कि आप सब एक इकाई बन जाएंगे, एक दूसरे के मददगार बन जाएंगे। और मैं मानता हूं ऐसे कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। धन्यवाद। पीएम सर, परिवार में विश्वास महत्वपूर्ण है, आपका यह संदेश हमारे घरों में खुशियां लाएगा। धन्यवाद पीएम सर। छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्मस्थली महाराष्ट्र की पुण्य नगरी पुणे से एक अभिभावक श्री चंद्रेश जैन जी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। चंद्रेश जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चंद्रेश जैन है, मैं एक अभिभावक हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आपको नहीं लगता है आजकल के बच्चों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है? वे तकनीक पे अधिक निर्भर रहने लगे हैं, क्योंकि सब कुछ उंगलियों पे उपलब्ध है। कोई इस युवा पीढ़ी को कैसे जागरूक कर सकता है कि वे प्रौद्योगिकी के स्वामी बनने चाहिए, उसका गुलाम नहीं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू चंद्रेश जी। आदिवासी जनजाति के लोकनायक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मभूमि
झारखंड के रामगढ़ जिले से एक अभिभावक श्रीमती पूजा श्रीवास्तव जी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछकर अपनी शंका का समाधान चाहती है। पूजा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, माय नेम इज कुमारी पूजा श्रीवास्तव। आई एम अ पेरेंट ऑफ प्रियांशी श्रीवास्तव स्टडिंग इन श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल रामगढ़ झारखंड। Sir, I want to ask that how I can manage my daughter's studies with using social media platform like Instagram, Snapchat, Twitter. Please guide me on this. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Himachal Pradesh Shivalik Pahadiyon ki Talhati mein sthit Hamirpur Jile ke TRDAV School Kangu ke ek chhatr Abhinav Rana online madhyam se jud rahe hain aur Pradhan Mantri ji आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अभिनव, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, नमस्कार। माय नेम इज अभिनव राणा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टीआरडीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगू डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। सर, माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी एजुकेट एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू मैनेज एग्जाम स्ट्रेस इफेक्टिवली व्हाइल also harnessing the benefits of mobile technology as a tool for learning rather than letting it become a distraction during crucial study periods. Thank you, sir. Thank you, Abhinav. Pradhan Mantri ji, Chandresh Jain, Pooja aur Abhinav jaise anek log jeevan mein social media aur technology ke badhte dabav ki sthiti se pareshan hai. वे सभी तकनीक पर निर्भरता एवं इसके अधिक प्रयोग से होने वाली दुष्प्रभाव से कैसे बचें? कृपया इस विषय में उचित परामर्श प्रदान कीजिए। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है और सहज जीवन में भी कहा गया, किसी भी चीज का अति किसी का भला नहीं करता है। हर चीज उसका एक मानदंड होना चाहिए, उसके आधार पर होता है। अगर मान लीजिए माँ ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से रिच है, टेस्ट आपकी पसंद का है, समय भी खाने का है, लेकिन बस खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, माँ परोसती जा रही है, क्या ये संभव है? क्या संभव है? क्या कभी कभी तो आप मां को कहो, नहीं मां बस बहुत हो गया, अब नहीं खा सकता हूं। करते हो कि नहीं करते हो? आपकी प्रिय खाना था, हर प्रकार से न्यूट्रिशन वैल्यू वाला था, वो समय भी ऐसा था, खाने का वक्त था, फिर भी एक स्टेज आ जाता है जब वो खाना आपके लिए तकलीफ कर सकता है, वॉमिटिंग करवाएगा, हेल्थ खराब कर देगा। आपका कितना ही प्रिय खाना, आपको रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ता कि नहीं रुकना पड़ता? वैसे ही मोबाइल के ऊपर कितना ही प्रिय चीजें, कितनी ही चीजें आती हो, लेकिन कुछ तो समय तय करना पड़ेगा। अगर आप, मैंने देखा है आजकल बहुत से लोगों को जब भी देखो लगे पड़े हैं। आपने देखा होगा मेरे हाथ में कभी, बहुत रेयर केस में कभी मोबाइल फोन मेरे हाथ में होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे समय का मुझे सर्वाधिक उपयोग क्या करना है। जबकि मैं ये भी मानता हूं कि इंफॉर्मेशन के लिए मेरे लिए एक बहुत आवश्यक साधन भी है, लेकिन उसका कैसे उपयोग करना, कितना करना, इसका मुझे विवेक होना चाहिए। और ये दोनों जो पेरेंट्स की चिंता है, वो इन दो की नहीं है, हर पेरेंट्स की चिंता है। शायद ही कोई अपवाद होगा, जो माँ बाप खुद भी दिन भर मोबाइल में अटके रहते होंगे ना, वो भी चाहते होंगे कि बेटा इसे बचे। और आपने देखा होगा सबसे बड़ी बात, आपके जीवन को बहुत कुंठित कर देता है जी। अगर आप परिवार में देखोगे तो घर के चार लोग चार कोने में बैठे हैं और एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं,
उठ करके मोबाइल नहीं दिखाते कि देख मैंने ये आया तुम देखो, क्यों? सीक्रेसी, ये इसके कारण एक बहुत बड़ा अविश्वास पैदा करने में ये भी एक साधन बन गया आजकल। अगर माँ ने मोबाइल फोन को हाथ लगा दिया, बस आ गया घर में तूफान, तुम कौन होती मेरे मोबाइल को हाथ लगाने वाली, यही हो जाता है। मैं समझता हूं कि परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। सब लोग खाना खाते समय गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे, ये हम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं जी। घर के अंदर मैंने पहले भी कहा या दोबारा कहता हूं, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे बातें करेंगे गप्पे मारेंगे। परिवार के अंदर वो ऊष्मा का वातावरण उसके लिए जरूरी है। तीसरा, हम हमारे खुद के लिए भी, अब टेक्नोलॉजी से हम बच नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसका सही उपयोग सीखना उतना ही अनिवार्य है। अगर आप टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, आपके माता पिता को पूरा नॉलेज नहीं है, सबसे पहला आपका काम है आज मोबाइल पर क्या क्या अवेलेबल है उनसे चर्चा कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए और उनको विश्वास में लीजिए कि देखिए मैथ में मुझे ये चीज़ें यहाँ मिलती हैं, केमिस्ट्री में मुझे ये मिलती हैं, हिस्ट्री में ये मिलती हैं और मैं इसको देखता हूँ, आप भी देखिए, तो वो भी थोड़ी रुचि लेंगे। वरना क्या होगा, हर बार उनको लगता होगा कि मोबाइल मतलब ये दोस्तों के साथ चिपका हुआ है, मोबाइल मतलब रील देख रहा है। अगर उसको पता चले कि भाई इसमें ये पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को मूर्ख बनाने के लिए बढ़िया चीज दिखा दे और फिर दूसरा करे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने पूरे परिवार में पता होना चाहिए क्या चल रहा है। हमारे मोबाइल फोन का लॉक करने का जो नंबर होता है वो परिवार के सबको अगर पता हो तो क्या नुकसान होगा, परिवार के हर सदस्य को हर एक मोबाइल का अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, आप काफी बुराइयों से बच जाएंगे, काफी बुराइयों से बच जाएंगे। कि भाई हर किसी को, हर एक भले मोबाइल अलग होगा लेकिन उसका जो कोड वर्ड है उसको मालूम है, तो ये भला हो जाएगा। दूसरा, आप भी अपना स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करने वाले जो एप्स होते हैं उसको डाउनलोड करके रखिए, वो बताएगा भाई आपका स्क्रीन टाइम आज इतना हो गया, आपने यहाँ इतना टाइम गंवाया है, आपने इतना टाइम, वो आप स्क्रीन पर ही आपको मैसेज देता है, वो आपको अलर्ट देता है। जितने ज़्यादा ऐसे अलर्ट के टूल्स हैं हमने अपने गैजेट्स के साथ जोड़ के रखना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले हाँ यार ज़्यादा हो गया, अब मुझे रुकना चाहिए, कम से कम वो हमें अलर्ट करता है। एट द सेम टाइम उसकी पॉजिटिव उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कुछ लिख रहा हूं लेकिन मेरा मुझे एक अच्छा शब्द मिल नहीं रहा है, तो मैं डिक्शनरी की मुझे जरूरत है, मैं डिजिटल व्यवस्था का उपयोग करके उसका लाभ ले सकता हूं। मान लीजिए कि मैं कर रहा हूं और मुझे कोई अरिथमेटिक का सूत्र ध्यान नहीं आता है, चलिए मैंने डिजिटल चीज का सपोर्ट सिस्टम ले लिया, पूछ लिया उसको क्या हुआ, फायदा होगा। लेकिन अगर मैं जानता ही नहीं हूं कि मेरे मोबाइल में क्या ताकत है, तो मैं क्या उपयोग करूंगा। और इसलिए मुझे तो लगता है कि कभी कभी क्लासरूम में भी मोबाइल के पॉजिटिव पहलू क्या क्या है, पॉजिटिवली उपयोग आने वाली कौन सी चीजें हैं, कभी 10-15 मिनट क्लासरूम में चर्चा करनी चाहिए। कोई स्टूडेंट अपने अनुभव बताएगा कि मैंने उस वेबसाइट को देखा, हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी वेबसाइट है, मैंने उस वेबसाइट को देखा फलाने सब्जेक्ट के लिए वहाँ अच्छी लर्निंग मिलती है, अच्छे लेसन्स मिलते हैं। मान लीजिए टूर जा रही है कहीं पर, टूर प्रोग्राम हमारे पास है और बच्चे जा रहे हैं कि चलो भाई हम जैसलमेर जा रहे हैं, सबको कहा जाए जरा ऑनलाइन जाओ भाई जैसलमेर का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, तो उसका पॉजिटिव उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए।
उसको लगना चाहिए कि तुम्हारी मदद में बहुत सी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तुम इसका उपयोग करो। जितना ज्यादा सकारात्मकता से आप उपयोग करोगे उतना आपको लाभ होगा। और मेरा आग्रह रहेगा कि हमने उससे दूर भी नहीं भागना है, लेकिन हमने हर चीज का विवेक से और पूरे परिवार में ट्रांसपेरेंसी से, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ऐसे छुप छुप करके देखना पड़े तो मतलब कुछ गड़बड़ है, जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना लाभ ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम सर, सफलता के लिए जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र हमें सही राह पर अग्रसर करेगा। धन्यवाद। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जन्मभूमि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र एम वागेश ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। एम वागेश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, नमस्ते। माय नेम इज एम वागेश। आई एम स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगनल्लूर चेन्नई। माय क्वेश्चन इज, how do you handle stress and pressure in that super strong position as a prime minister? What is your key factor of controlling stress? Thank you. आप भी बनना चाहते हैं क्या? तैयारी कर रहे हो क्या? धन्यवाद एम बागेश। आज की इस परिचर्चा का अंतिम प्रश्न देवभूमि उत्तराखंड, जो अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है, उधम सिंह नगर स्थित डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल अकेडमी की छात्रा स्नेहा त्यागी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्नेहा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। दिव्य है, अतुल्य है, अदम्य साहस का परिचय है आप। युगो युगो के निर्माता अद्भुत भारत का भविष्य है आप। देवभूमि उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। मेरा नाम स्नेहा त्यागी है। मैं डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल अकादमी टिंकी फार्म खटीमा उधम सिंह नगर की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि हम आपकी तरह सकारात्मक कैसे हो सकते हैं? धन्यवाद श्रीमान। थैंक्स स्नेहा। प्रधानमंत्री जी, आप अपने बिजी लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और इतना प्रेशर होने पर भी हमेशा सकारात्मक कैसे रह पाते हैं? आप यह सब कैसे कर पाते हैं? कृपया अपनी सकारात्मक ऊर्जा का रहस्य हमसे साझा करें। प्रधानमंत्री जी, इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री को कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। वरना आपको तो लगता होगा हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, अब उनको क्या है, यहां से यहां जाना है, यही करना है। लेकिन आपको पता है कि भांति भांति के सुबह शाम, दरअसल हर एक के जीवन में अपनी स्थिति से अतिरिक्त ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको उसे मैनेज करना पड़ता है। जो उसने सोचा नहीं वैसी चीजें व्यक्तिगत जीवन में भी आ जाती है, परिवार जीवन में आ जाती है, और फिर उसको उसे भी संभालना पड़ता है। अब एक नेचर ऐसा होता है कि भाई बहुत बड़ी आंधी आई है, चलो कुछ पल बैठ जाए, निकल जाने दो। कुछ संकट आया है, नीची मुंडी करो यार, समय जाएगा। शायद ऐसे लोग जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मेरी प्रकृति है, और जो मुझे काफी उपकारक लगी है,
मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता हूं। और उसके कारण मुझे नया नया सीखने को मिलता है, हर परिस्थिति को हैंडल करने का नया तरीका, नए प्रयोग, नई स्ट्रेटजी, ये इवॉल्व करने का सहज मेरा एक मेरी विधा, मेरा अपना विकास होता जाता है। दूसरा, मेरे भीतर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा मानता हूं कि कुछ भी है, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। अगर 100 मिलियन चुनौतियां हैं तो बिलियंस ऑफ बिलियन समाधान भी है। मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं अकेला हूं, मुझे कभी नहीं लगता है कि मुझे करना है। मुझे हमेशा पता होता है मेरा देश सामर्थ्यवान है, मेरे देश के लोग सामर्थ्यवान है, मेरे देश के लोगों का मस्तिष्क सामर्थ्यवान है। हम हर चुनौती को पार कर जाएंगे, ये मूलभूत मेरे भीतर मेरा सोचने का पिंड है। और इसके कारण मुझे कभी नहीं लगता यार मुझ पर आया क्या करूंगा, मुझे लगता है नहीं नहीं 140 करोड़ लोग हैं, संभल जाएंगे, ठीक है, आगे मुझे रहना पड़ेगा और गलत हुआ तो गाली मुझे खानी पड़ेगी, लेकिन मेरे देश का सामर्थ्य, और इसलिए मैं अपनी शक्ति देश के सामर्थ्य को बढ़ाने में लगा रहा हूं। और जितना ज्यादा मैं मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाता जाऊंगा, चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत हमारी और बढ़ती जाएगी। अब हिंदुस्तान की हर सरकार को गरीबी के संकट से जूझना पड़ा है, हमारे देश में संकट है ही है, लेकिन मैं डर करके बैठ नहीं गया, मैंने उसका रास्ता खोजा। और मैंने कहा, सोचा कि सरकार होती कौन है जो गरीबी हटाएगी, गरीबी तो तब हटेगी जब मेरा हर गरीब तय करेगा कि अब मुझे गरीबी को परास्त करना है। अब वो सपने ही देखेगा तो होगा कि नहीं होगा, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान बनाऊं, उसको पक्का घर दे दूं, उसको टॉयलेट दे दूं, उसको शिक्षा की व्यवस्था दे दूं, उसको आयुष्मान योजना का लाभ दे दूं, उसके घर से नल पहुंचा दूं। अगर मैं ये चीजों से जो उसको रोजमर्रा की जिंदगी से उसको जूझना पड़ता है, अगर मैं उससे उसको मुक्ति दिला देता हूं, उसको एम्पावर करता जाता हूं, तो वो भी मानेगा अब गरीबी गई, अब मैं उसको मारूंगा। और आप देखिए, इस मेरे 10 साल के कार्यकाल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अब यही चीज और लोग भी तो जैसे बिताया मैं भी बिता देता। और इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हम देश की शक्ति पर, देश के संसाधनों पर भरोसा करें। जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो कभी हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते जी, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, अरे मैं तो एक चाय बेचने वाला इंसान क्या करूंगा, ऐसे नहीं सोच सकता हूं जी, मुझे पूरा भरोसा होना चाहिए। और इसलिए पहली बात है कि आप जिनके लिए कर रहे हैं उन पर आपका अपार भरोसा।
दूसरा, आपके पास निरक्षीर का विवेक चाहिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा आज जरूरी है कौन सा अभी नहीं बाद में देखेंगे, आप प्रायोरिटी तय करने का सामर्थ्य चाहिए। वो अनुभव से आता है, हर चीज को एनालाइज करने से आता है। मैं दूसरा प्रयास ये करता हूं। तीसरा, मैं गलती भी हो जाए तो ये मान के चलता हूं कि ये मेरे लिए लेसन है, मैं इसको निराशा का कारण नहीं मानता हूं। अब आप देखिए कोविड का संकट कितना भयंकर था, मामूली चुनौती थी क्या, पूरी दुनिया फंसी पड़ी थी। अब मेरे लिए भी था कि क्या करो भाई, मैं कह दूं अब क्या करें, तो भाई वैश्विक बीमारी है, दुनिया भर में आई है, सब अपना अपना संभाल लो। मैंने ऐसा नहीं किया, रोज टीवी पे आया, रोज देशवासियों से बात की, कभी ताली बजाने के लिए कहा, कभी थाली बजाने के लिए कहा, कभी दिया जलाने के लिए कहा। वो एक्ट कोरोना को खत्म नहीं करता है, लेकिन वो एक्ट कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है, सामूहिक शक्ति को उभारना। अब देखिए, पहले भी खेल के मैदान में हमारे लोग जाते थे, कभी कोई जीत के आता था, कोई जीत के नहीं आता था, जाने वाले को पूछता नहीं था, आने वाले को पूछता नहीं था। मैंने कहा भले 3 मेडल के जीत के आएंगे, लेकिन मैं उसके ढोल पिटूंगा। तो धीरे धीरे करके 107 मेडल लेने का सामर्थ्य उन्हीं बच्चों में से निकला, सामर्थ्य तो था, सही दिशा, सही रणनीति, सही नेतृत्व परिणाम लाता है। जिसका जिसके पास सामर्थ्य है उसका सही उपयोग करना चाहिए। और मेरा तो गवर्नेंस का एक सिद्धांत रहा है कि अच्छी सरकार चलाने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी, आपको नीचे से ऊपर की तरफ सही जानकारी आनी चाहिए, परफेक्ट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और ऊपर से नीचे की तरफ परफेक्ट गाइडेंस जाना चाहिए। अगर ये टू वे चैनल परफेक्ट रही, उसका कम्युनिकेशन, उसकी व्यवस्थाएं, उसके प्रोटोकॉल उसको ठीक से किया, तो आप चीजों को संभाल सकते हैं। कोरोना एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और इसलिए मैं मानता हूं कि हम निराश होने का कोई कारण ही नहीं होता है जीवन में, और अगर एक बार मन में तय कर लिया कि निराश होना ही नहीं है, तो फिर सिवाय पॉजिटिविटी कुछ आता ही नहीं है। और मेरे यहां निराशा के सारे दरवाजे बंद है, कोई कोना भी, एक छोटी खिड़की भी मैंने खुली नहीं रखी है कि निराशा वहां से घुस जाए। और मैं, आपने कभी देखा होगा, मैं रोता बैठता नहीं हूं जी, पता नहीं क्या होगा, वो हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा, वो हमसे भिड़ जाएगा कि, अरे होता रहता है जी, हम किस चीज के लिए हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि जीवन में आत्मविश्वास से भरे हुए और अपने लक्ष्य के विषय में। और दूसरी बात है, जब कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, खुद के लिए कुछ करना तय होता है, तो निर्णयों में कभी भी दुविधा पैदा नहीं होती है, और वो एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पास है। मेरा क्या, मुझे क्या, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करना और आपके लिए करना, ताकि आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, मैं नहीं चाहता हूं कि उन मुसीबतों से आपको गुजरना पड़े। हमें ऐसा देश बना करके देना है दोस्तों, ताकि आपके भावी पीढ़ी को भी, आपके संतानों को भी लगे कि हम ऐसे देश के अंदर और पूरी तरह खिल सकते हैं, अपना सामर्थ्य दिखा सकते हैं।
और ये हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए, ये हमारा सामूहिक रिजॉल्व होना चाहिए और परिणाम मिलता है। और इसलिए साथियों, जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी ताकत होती है। बुरी सी बुरी चीज में भी पॉजिटिव देखा जा सकता है, उसको हमने देखना चाहिए। धन्यवाद जी।